हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालीमार किचन। आज हम मूंगफली की एक ऐसी मिठाई बनाएंगे, रंग बिरंगी सी, जो पहले आपने नहीं खाई होगी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। हमने 300 ग्राम मूंगफली ली है। इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसे धीमी आंच पर ही चलाते हुए इस तरह से भुनना है। फ्रेंड्स, आप इस तरह की ही कढ़ाई लें, चौड़े वाली, ताकि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो सके। इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसके छिलके निकल जाए वहाँ तक हमें भुनना है इसे। मूंगफली बहुत ही जल्दी भुन जाती है, इसलिए आप इसे चलाते हुए ही भुनें, इसे छोड़े नहीं तो आपकी मूंगफली का कलर चेंज हो जाएगा और आपकी मिठाई का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। देखिए, हमारी मूंगफली भुन चुकी है, इसमें से चट-चट की आवाज़ आने लगी है, इसका मतलब ये भुन चुकी है। हम गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम अभी ठंडा कर लेंगे, ये अभी बहुत गर्म है इसलिए इसके छिलके नहीं उतरेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। देखिए, हमारी मूंगफली ठंडी हो चुकी है। इस तरह का कोई भी कपड़ा ले लीजिए और इसमें आप इस तरह से डालकर आप इसके छिलके उतार सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत आसानी से निकल जाएंगे। इस तरह से आप पकड़ लीजिए, ऐसा कोई भी वजन वाली चीज़ लेकर आप इस तरह से दबाते हुए इन्हें इस तरह से निकालिए। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा इसे। अब हम इसे इसी प्लेट में निकाल लेंगे और हम इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। इस तरह की चलनी लेकर आप इसमें इसे हम इस तरह से साफ कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, हमारे मूंगफली के दाने सभी साफ हो चुके हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाना है हमें। और यहाँ एक और इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जिससे कि हमारी मिठाई का टेस्ट और दुगना बढ़ जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पर 8 से 10 काजू ले ली है, इसे भी हम डाल देंगे और इसके साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते नहीं रहना है, रोक रोक कर ही पीसना है, नहीं तो इसका तेल निकलने लगेगा। हमने मूंगफली का और काजू का फाइन पाउडर पीस लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। जो पाउडर पीसा था उसके लिए, मिठाई के लिए हम अब चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी मूंगफली ली थी, तो हम आधी कटोरी चीनी लेंगे। चीनी का आधा पानी डालेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। धीमी आंच पर हम इसकी चाशनी बनाएंगे एक तार की। अगर आप मूंगफली 1 कटोरी लें तो उसकी आधी चीनी ले लीजिए और चीनी का आधा पानी ले लीजिए। ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। हमने जो इलायची पाउडर बनाया था इसे हम डाल देंगे 1 चम्मच। अब इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। लो से मीडियम रखना है गैस की आंच। देखिए, चीनी को हमने हाई फ्लेम पर इस तरह से पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इसे हम चेक कर लेंगे। देखिए, अभी कोई तार नहीं बन रहा है, अभी सिर्फ ये चिपचिपी है। हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। इसे अभी हम और पकने देंगे धीमी आंच पर। हमने 5 मिनट और पका लिया है। चेक कर लेते हैं कि इसका तार बन रहा है या नहीं। इसका तार बनने लगा है, इसका मतलब ये चाशनी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें जो हमने मूंगफली का फाइन पाउडर पीसा था, देखिए ग्राइंड किया था, उसे हम इसमें डाल देंगे और हम धीमे आंच पर ही लगातार चलाते हुए इस तरह से हम पकाएंगे। इसके लम्स नहीं बनना चाहिए, लगातार इसे चलाते रहना है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमें लाइक कर दीजिए। हमें लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। देखिए, अभी हमें इसे और पकने देना है। जब तक ये मिक्सचर पैन नहीं छोड़ने लग जाता तब तक हमें इसे पकाना है। इस स्टेज पर हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डालेंगे जिससे कि हमारे मिक्सचर का ये टेस्ट, मिठाई का टेस्ट और बढ़ जाएगा। 2 मिनट तक हम और इसे पकने देंगे। देखिए, हमारा मिक्सचर पैन छोड़ने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे। मिक्सचर अब अच्छे से गाढ़ा हो गया है, पक चुका है। इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर यह और गाढ़ा हो जाएगा। देखिए, हमारा मिक्सचर अभी हल्का सा ठंडा है। इसे गर्म में ही हम इसे एक हमने शीट ली है प्लास्टिक की, आप चाहे तो बटर पेपर भी ले सकते हैं, और उसे हमने इस तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। इसमें ये आसानी से बन जाती है। अब हम इस मिक्सचर को इस पर रखेंगे। अभी हमारा मिक्सचर ठंडा नहीं हुआ है। इसे ठंडा होने से पहले ही थोड़ा सा गर्म में ही हम इसकी मिठाई बनाएंगे। हमें तरबूज वाली मिठाई बनानी है, इसलिए हम इसके 3 हिस्से करेंगे। हम ये प्लास्टिक की शीट की मदद से इस तरह से रोल करेंगे।
और अब हम इसे तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। हमें दो हिस्से बराबर साइज में कट करने हैं और एक हिस्सा हमें बड़ा रखना है। हमने इसके तीन हिस्से कर लिए हैं। ये देखिए, हमने रेड फूड कलर लिया है और हम इसे रेड फूड कलर में तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने रेड फूड कलर मिला लिया है, अब हम ग्रीन फूड कलर मिलाएंगे इसमें। देखिए, हमने ग्रीन कलर भी मिला लिया है, अब हम इसके पेड़ बना लेंगे। एक पोर्शन तोड़ेंगे इस तरह से। ये देखिए, जितने भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इसके रेड के भी हम इसी तरह से बना लेंगे। हमने यहाँ काले तिल लिए हैं, रेड वाले में हम एक चम्मच काले तिल मिलाएंगे। तरबूज में बीज होते हैं जो काले होते हैं। देखिए, हमने बीज मिला लिए हैं, अब हम इसके भी उतने ही गोले बना लेंगे जितने के हमने ग्रीन के बनाए थे। हमने तीनों कलर के इस तरह से बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब हम पहले व्हाइट वाला लेंगे और इसे हम इस तरह से चपटा करेंगे। इसमें ये रेड वाला रखेंगे इस तरह, और इसे हम इस तरह कवर करते हुए इसकी बॉल बना लेंगे। इसे अंदर कर देंगे रेड वाले को। देखिए, ये हो गया। इसी तरह सभी बना लेंगे। देखिए, अब हम ग्रीन वाला भी इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। इसे भी हम इस तरह से चपटा करेंगे। ये वाला पार्ट को हम इसमें रखेंगे और इसे कवर कर देंगे इस तरह से। आप ज़रूर ट्राई करें हमारी रेसिपी से। इसी तरह हम सभी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है और हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। हमने इसे फ्रीज में रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसे काट के बताते हैं। देखिए, मैं आपको काट कर बताती हूँ। एक अच्छा तेज वाला चाकू लेना है, तभी आपकी मिठाई अच्छी फिनिशिंग से कटेगी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, और इसमें जो हमने तिल डाले हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।